आज आप एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है या 8x माइनस 3 ओवर 3x इज इक्वल टू 2। हूँ आप सॉल्व करना है गया इतने की या लेफ्ट हैंड साइड वाला 3x डिवाइड है और जो राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये 3x से रहा 2 नाल मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 2 3 6 6x आ गया। हूँ वेरिएबल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ठीक है, 6x में आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए और इतने प्लस आ इधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस 3 जरा आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, माइनस आ इधर के जो जाके प्लस है। हूँ इतने माइनस का साइन आ 8x जो माइनस 6x करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। हूँ x नाल 2 जरा वा मल्टीप्लाई है और जो ये राइट हैंड साइड जाऊगा तो हो जाएगा ये डिवाइड। एंड सेकेंड साम 9x ओवर 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इतने आज की है डिवाइड आ ये जो राइट हैंड साइड जाऊगा तो 15 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हूँ ये टू टर्म आ एक 7 आ एक 6x आ, इस कोल इन आप ब्रैकट पावे, ठीक है। हूँ यही पहला ब्रैकट ही हम आप ओपन करा, ठीक। 15 7 नाल मल्टीप्लाई किया कि आ गया 105, फिर 15 6 नाल मल्टीप्लाई किया कि आ गया 90x। हूँ यह की है 90x वेरिएबल आ, इधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। हूँ 9x प्लस 90x कि बन गया 99x, ठीक है। 99x जरा इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके जो है डिवाइड। हूँ आप जो कैंसल किया, ठीक है, कैंसल करके साढ़े को आ गया 35/33। थर्ड सम दिस इक्वेशन गया z/z+15 इजिकल टू 4/9, ठीक है। हूँ इन्हों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हू इन्ना मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हू इन्ना मल्टीप्लाई करेंगे, यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9z। हूँ यह जरा 4 नाल क्रॉस मल्टीप्लाई होया, यह टू टर्म से इस को आप ब्रैकट नाल पाइए गई है, ठीक है। इस तो बाद असं ब्रैकट ओपन करा, 4 1z नाल मल्टीप्लाई करेंगे। जैड के कोई अखर नहीं गा तो आप इनू 1 मना, ठीक है। 4 1 4 नाल आ गया जैड, 4/15 मल्टीप्लाई किया कि आ गया 60। हूँ 4z वेरिएबल आ, ये लैफ्ट हैंड साइड वाल जा के जूगा माइनस हो जूगा क्योंकि इधर ये प्लस का से, ठीक है। 60z जरा राइट हैंड साइड में रह गया, 9z में माइनस 4z माइनस करेंगे 5z इजिकल टू 60। हूँ जैड नाल 5 आ मल्टीपल और जो राइट हैंड साइड हो जूगा उधर की हो जूगा डिवाइड, हाँ जी। 5 1 5 5 12 6 60। फोर सम 3y+4/2-6y इजिकल टू -2/5, इतने भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हूँ यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। हूँ यही ब्रैकट ओपन करा, उपर ब्रैकट ओपन करनी दसी हुई सी मैं, 5 3 मल्टीप्लाई किया 15y, फिर 5 4 मल्टीप्लाई किया 20। इस तरह -2 2 मल्टीप्लाई कर -4। हूँ इतने की माइनस आ, इतने की है माइनस है, ये जो माइनस अंदर जाऊगा ये जो गए प्लस हो जाएगा, ठीक है। हूँ 2 6 12y, इतने वाई जरा वेरिएबल है, 12y जरा वेरिएबल है, इधर जाके भी जो गए माइनस हो गया, ठीक है। इधर 20 जरा राइट हैंड वाइड साइड जाके माइनस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 15y जो -12 करिए तो 3y -4 -20 -24 हो गया मल्टीप्लाई है, इधर इधर जाके हो गया डिवाइड। 3 1 3 तो 3 8 24। हूँ ये माइनस लगा ही, ए को इत भी आ गया नाल माइनस
एट। नेक्स्ट सम सम 7y + 4/y + 2 इजिकल टू -4/3। हाँ इस तरह ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जिसका कि आप फोर सम च क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एदना क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है फिर 3 7 21 y 3 4 12 इजिकल टू हूँ जो -4 आ इन्हें 1 नाल मल्टीप्लाई हुए। ठीक है -4 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया कि गया -4y / y जो बाहर माइनस हो अंदर साइन किया चेंज माइनस नू प्लस नाल मल्टीप्लाई किया कि गया -4 2 8। ठीक है हम यह वेरिएबल लैफ्ट हैंड साइड वाल गया -+12 इधर जाके हो गया -12 +++21y + 4y करिए तो 25y है फिर इसी तरह माइनस माइनस के दबा प्लस -8 -12 -20 हाँ 25 इधर जाके हो गया डिवाइड। ठीक है इन्होंने कैंसिल किया 5 के टेबल ना आ गया इक्वल टू -4/5। हूँ 6 और 7 सम तुसी खुद सॉल्व करना है। ठीक है ये नाल ढड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये नाल ढड़ा चैप्टर कंप्लीट आ। हूँ सारे बच्चों ने सबसक्राइब करना नहीं भुलना है सबसक्राइब तुसी करोगे तो मैं होर वीडियो तुहानू बना के भेजांगी।